करेंगे कोरोना के टाइम स्ट्राइक, कोरोना के टाइम बंद, कोरोना के टाइम रोड ब्लॉकेट, तो ऑब्वियसली आम जनता को पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट है क्या? किसी का घर में उसका माँ मर रहा है, किसी के घर में किसी का ग्रैंडफादर मर रहा है, किसी का बच्चा अटका हुआ है बैंगलोर में, आप उनको हेल्प करने के लिए कुछ कीजिए ना। यहां में पहले से बिजनेस बंद हो चुका है, इकोनॉमी कम प्रॉब्लम में है, आपका आपका काम सिर्फ आंदोलन करना है क्या? और मैं ऑपोजिशन में रहकर मैं आंदोलन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि ये टाइम ठीक नहीं है। आप सरकार में होकर आप आंदोलन कर रहे हो, आपको ये तो ऑपोजिशन का काम था, आप तो ऑपोजिशन का काम कर रहे हो सरकार में बैठकर। आप अपना माइंड मेकअप कर दीजिए ना कि आप सरकार के संग है या सरकार के विरोध है, ना यहां का है ना वहां का है। आपको मंत्री दोनों रहना है, आपको मंत्री बन के रहना है, लेकिन आप अलायंस नहीं तोड़ोगे टीटीएडीसी इलेक्शन के टाइम जब यहां में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। हम मंत्री रहेंगे लेकिन हम बीजेपी के संग अलायंस नहीं करेंगे, ये बोला नहीं था यहां में। तो अब आप माइंड मेकअप कीजिए, आपको अगर सरकार में बैठना है तो सरकार के संग काम कीजिए, अगर सरकार में नहीं बैठना तो सरकार से बाहर निकलिए। लेकिन अपने मन में आप जो भी आके, आज मैं खुद गया पुलिस स्टेशन, मुझे कोई दरकार था? मैं आज खुद हॉस्पिटल गया, मेरा माँ को कोरोना हुआ है, आज भी कोविड पॉजिटिव, मेरा माँ 76 ईयर्स ओल्ड है, मैं कलकत्ता से छोड़कर यहां आया हूं, पॉलिटिक्स करने आया हूं यहां में, मेरा माँ को कोविड, राजमाता को कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन मैं उनका ही मिले को हॉस्पिटल ले गया। यहां में मैं एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर, आदमी को सस्पेंड किया, आज तक कोई पॉलिटिकल नेता सस्पेंड हुआ है एक घंटे के अंदर? लेकिन इनको इनको हर जगह में राजनीति करना है तो करो राजनीति। एक टाइम आप 8 सीट था, आज 0 हो गया, क्योंकि आप पॉलिटिक्स का मतलब होता है सेवा, आपको सेवा करना नहीं, आपको सिर्फ ये अटकाने का एक तरीका मन में आ रहा है। मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूं कि ये स्ट्राइक को इवन बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी, अगर करेगी तो बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा कि वो उनके पास लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं। ये बात आप प्राइवेटली बात कर सकते थे, मुख्यमंत्री से बात कर सकते थे, मुझसे बात कर सकते थे, मुझे तो फोन आते रहता है, तो क्यों नहीं बात करते प्राइवेटली? इससे क्या फायदा होगा किसी को? मैं इसी के लिए अपील कर रहा हूं, अभी भी देर नहीं हुआ है, आप ये स्ट्राइक को प्लीज विड्रॉ करिए। इस स्ट्राइक से फिर से वायलेंस बढ़ेगा, और जो फोकस होना चाहिए इस समय, फोकस होना चाहिए कोरोना। आपका जर्नलिस्ट हमारे यहां में तरुमय का डेथ हो गया, कितने लोग बीमार है, हम उसके बारे, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे बात करें, एम्बुलेंस के बारे बात करें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने नहीं किया है कि वैक्सीनेशन ठीक से करना चाहिए। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वैक्सीनेशन के लिए नहीं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रोड ब्लॉकेट के लिए। ये क्या हम 2021 में त्रिपुरा में पूरा इंडिया देखता है, बोलता है कि ये लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। सर एक बात है सर, आपका जो आगे अपील क्या है, वो अपील को वो लोग स्वीकार करके जो, या अगर उन्होंने मेरा अपील स्वीकार किया, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैंने खुद धीरेन्द्र को बोला सॉरी, मैंने तो उनको नहीं अटैक किया था, लेकिन क्योंकि वो आदमी आईपीएफटी से तिपरा मोथा में 1 महीना 1.5 महीना पहले आया, कोई पोस्ट भी होल्ड नहीं करता, आज मैंने सस्पेंड कर दिया, मैंने उसको पुलिस स्टेशन जाके डाला। सर अगर नहीं माने तो फिर भी ये स्ट्राइक उन लोगों को लगता है स्ट्राइक करना है, तो आप लोगों का क्या एक्शन रहेगा? क्या मेरा क्या रिएक्शन है? मैं तो सरकार में नहीं हूँ, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगर वो लोग 22 तारीख को वो लोग अगर रोड ब्लॉकेट करेंगे तो गवर्नमेंट को चुनना पड़ेगा कि वो पब्लिक के लिए है या पावर के लिए है। महाराज रिसेंटली